Welcome to my channel Cheese Bags. Today's recipe is Sushila. This is an amazing dish made from a simple puffed rice. It's a very popular snack from Marathwada. So let's check out the ingredients. Murmure 500 grams. Curry patta liya hai 10 se 15. Do bade pyaz liye hue, slice kiye hue. हरी मिर्च 4 बारीक कटी हुई, धनिया बारीक कटा हुआ, तेल 1/2 कप, राई और जीरा 1 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, भुनी हुई मूंगफली 1/4 कप और चना दाल 1/4 कप, नींबू का रस 1 छोटा चम्मच। ये मुरमुरे स्पेशली लातूर से लाए हैं और इनका साइज नॉर्मल मुरमुरे से थोड़ा बड़ा होता है। अब इसे अच्छे से धोए 2 से 3 बार और धोने के बाद इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। इसमें से पूरा पानी निकाल लीजिए इस तरह से। अब एक कढ़ाई में तेल डालें। तेल गरम होने के बाद इसमें हम डालेंगे राई और जीरा। तेल गरम हो चुका है। अब इसमें मैं डालूंगी कड़ी पत्ता और प्याज। प्याज को हमें अच्छे से फ्राई करना है। इसका कलर लाइट गोल्डन हो तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। प्याज का कलर चेंज हो चुका है तो उसमें मैं अब डालूंगी हरी मिर्च, चना दाल और मूंगफली। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो भुनी हुई चना दाल को खलबत्ते में कूट के भी डाल सकते हो या फिर ऐसे भी डाल सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। इस रेसिपी को बनाने के लिए तेल थोड़ा ज्यादा लगता है क्योंकि मुरमुरे तेल को सोख लेते हैं। इसे अच्छे से मिलाएं और अब हम इस पर डालेंगे नींबू का रस और इसे धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट ढक के रखिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मुरमुरे और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे 3 मिनट तक ढक के रखिए और उसे गार्निश कीजिए धनिये के साथ। और ये हमारी रेसिपी तैयार हो गई। आप इसे ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो या फिर इवनिंग स्नैक्स टाइम पे भी खा सकते हो। एंजॉय।